वर्गदर्शन में के छात्रों को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग प्रथमा पाठ सूची पर्यावरणम के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 से अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है कि अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदंग लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए पदों के पर्यायवाचक पद लिखना है। प्रश्न संख्या 5 के क में आपको दिया हुआ है सलिलम। सलिलम माने होता है जल, तो सलिलम का हम पर्यायवाची पद लिखेंगे जलम वारी तुयम। इस प्रकार आम्रम है तो आम्रम का आपको रसालम लिख देंगे। वनम, प्रश्न संख्या 2 में वनम दिया है तो वनम का आपको अरण्यम लिखेंगे। कांतारम लिखेंगे। इस तरह से प्रश्न 6 में दिया हुआ है शरीरम, शरीरम का कायह, देहम, अंगा में कुटिलम दिया है। कुटिलम मैंने होता है टेढ़ा मेढ़ा या दुष्ट प्रवृत्ति का के जो लोग होते हैं उनको कुटिल कहा जाता है। तो कुटिलम का हम वक्रम लिख सकते हैं, वक्रम लिखेंगे पर्यायवाची पद। पाषाणम, पाषाणम मैंने होता है पत्थर, तो पाषाणम का लिखेंगे परस्तरम शिलाखंडम। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 में जो पद दिए गए हैं उसका पर्यायवाची पद आप लिख लेंगे। देखेंगे अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानी लिखत। देखिए उदाहरण अनुसृत्य का मतलब है उदाहरण के अनुसार पाठात, पाठात माने पाठ से, यह पंचमी विभक्ति एक वचन में आता है पाठात, अपदान कारक। पाठ से चित्वा माने चुनकर समस्त पदों को लिखे। देखिए यह प्रश्न संख्या 6 जो है समास प्रकरण के अंतर्गत आता है। आपको समास प्रकरण हम क्या है कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, या क्या है कि उसको जो है फिर से क्या है कि उसको हम आप पढ़ा देंगे आपको। देखिए यहाँ जो आपको एक उदाहरण दिया हुआ है पुस्तक में, उदाहरण क्या दिया है विग्रह पद। विग्रह पद को हम समस्त पद में लिखना है। देखिए मेलेन सहितम, मेलेन मलेन सहितम, मौलेन सहितम, अर्थात मल के साथ। तो इसका जो है हमें समस्त पद लिख देना है, दोनों पद को मिलाकर समलम लिखेंगे। यह अव्ययी भाव समास हुआ। 6 के ख में दिया है हरिता च ये तरव, कोष्ठ में तेषांग दिया है। इस पद को मिलाकर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हरित तरुणम, हरा वृक्ष। 6 के ग में दिया है ललिता, ललिता च यह लता। देखिए ललिता च यह लता,
ग का, तो इसका जो है हम समस्त पद लिखेंगे ललित लता नाम। नवा मालिका घ में दिया है, नवा मालिका दोनों पद को मिलाकर एक पद लिखेंगे, समस्त पद लिखेंगे इसका नव मालिका। अंग देखिए धृत सुख संदेश येन, धृत सुख संदेश येन। इस पद विभिन्न पदों को मिलाकर इसका समस्त पद लिखेंगे धृत सुख संदेशम। आगे देखिए कजलम इव मलिनम, अर्थात काजल के समान मलिन। तो इसका जो है समस्त पद लिखेंगे कजल मलिनम। दुर्दांत ही दसन ही छ के अंतिम प्रश्न संख्या प्रश्न छ में दिया है दुर्दांत ही दसन ही, इसका समस्त पद लिखेंगे दुर्दांत दशन ही। देखिए यहाँ प्रश्न छ में आपको लिखा हुआ है उदाहरण मनुष्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि लिखत, अर्थात विग्रह पद को समस्त पद लिख देना है। आप समस्त पद लिखने के बाद समास प्रश्न के अनुसार है ना समास का नाम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते है ना। चलिए अब हम आएंगे प्रश्न संख्या सात में। देखिए प्रश्न संख्या सात में हम पहले भी इस तरह का प्रश्न आप लोगों को हम अभ्यास कराए हुए हैं है ना, आज पुनः इस तरह का प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या सात देखिए रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता, जो वाक्य है उसके है ना किसी एक पद में रेखा खींचा हुआ है, उस रेखा को हटाकर हम ऐसे प्रश्न सूचक शब्द को लिखना है जिससे कि यह वाक्य प्रश्न में बदल जाए। देखिए शक्ति यानम कज्जल मलिनं धूमं मुञ्चति, प्रश्न संख्या सात के कौन लिखा हुआ है शक्ति यानम कज्जल मलिनं धूमं मुञ्चति, अर्थात हिंदी इसका क्या हुआ, हिंदी समझना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा, अतः जो वाक्य है उसका हिंदी आप समझेंगे यह प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए तो शक्ति यानम यानी गाड़ियों से काजल के समान धुआं मुक्त होता है, कज्जल मलिनम के नीचे रेखांकित है रेखांकित पद है, तो कज्जल मलिनम के जगह पर आप क्या लिखेंगे तो किदृशं लिख देंगे, अर्थात इस किदृशं लिखने के बाद आपका वाक्य का हिंदी रूपांतरण होगा कि गाड़ी से कैसा धुआं मुक्त होता है। समझ गए आप लोग बिल्कुल, इस तरह का प्रश्न पहले भी हम अभ्यास कर चुके हैं, आज पुनः अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न ख उद्याने पक्षिणां कलरवं चेतः प्रसाद यदि, उद्यानेन उद्याने पक्षिणां कलरवः चेतः प्रसाद यदि, बागीचे में पक्षियों के कलरव बागीचे में पक्षियों के चहकने की आवाज प्रसन्न करता है ना, तो पक्षिणां भी लिखा हुआ है यहाँ पक्षिणां पद में रेखा खींचा हुआ, तो पक्षिणां की जगह पर लिख देंगे केसांग। पुनः आगे देखिए ग पाषाणि स
सभ्यतायां लता तरुगुल्मः प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। इस पाषाणी सभ्यता में लता और वृक्ष पत्थर के नीचे पीस रहे हैं। देखिए लता तरुगुल्मः के नीचे रेखांकित पद है, तो इस रेखांकित पद के जगह पर लिख देंगे कि अर्थात कौन। प्रश्न संख्या भाव देखिए, महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाः धावन्ति। महानगरों में वाहनों के अनंत पंक्तियां दौड़ती है, महानगरेषु में है। महानगरेषु का हिंदी आप जान गए, कारक के विभक्ति के अनुसार महानगरों में सप्तमी के बहुवचन है। एक बात ध्यान रखेंगे, पहले भी हम बताए हुए आप लोग, आज पुनः आप समझ लीजिए। कह शब्द लिंग के अनुसार जो रेखांकित पद जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति को लिखेंगे, उसी विभक्ति के अनुसार हम प्रश्न सूचक शब्द बनाएंगे। यहाँ सप्तमी बहुवचन है तो सप्तमी बहुवचन के अनुसार क्या होगा। यहाँ महानगरेषु है ना, तो महानगरेषु का आप प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे कुत्र कहाँ। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। प्रश्नांग में प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, अर्थात प्रकृति के संपर्क में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। प्रकृत्याः दिया है तो कस्याः दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 7 है ना, पढ़ाने के बाद में इस चैप्टर का जो प्रश्न है वह समाप्त हुआ है। आप सभी विद्यार्थी इसका शेयर कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। सुंदर छंद, अगले दिन पुनः इस चैप्टर का हम अतिरिक्त प्रश्न का भी अभ्यास करेंगे, उसके बाद अगला हम चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।